इतिहास के अद्भुत लहजे के रचनाकार आदरणीय यूसुफ भारद्वाज जी हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करते हैं। शिष्य बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ हर तरह का श्रोता है, गुरु भी है, महागुरु भी है, चेले भी हैं, शिष्य भी हैं और मैं हरियाणा का। ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं पहली पंक्ति में, मेरी उम्र के ही होंगे, इनका होना भी समाज में बहुत उपयोगी है। वो उदाहरण देखो तो उनका हरियाणा का कितने ये धैर्यवान होते हैं, कितने दूरदर्शी होते हैं, इन लोगों का समाज में बहुत योगदान है। मैंने देखा है कि कॉलेज के लड़के ने सिगरेट जलाई और वो जलती हुई तिल्ली उस टाइम फेंकती, सामने हरियाणा का एक ताऊ खड़ा था, वो जलती हुई तिल्ली ताऊ के कुर्ते में गिर गई, कुर्ता जल गया लेकिन ताऊ ने धैर्य का परिचय दिया, चुपचाप खड़ा। लड़के को बड़ा अजीब लगा कि हरियाणा का ताऊ कुर्ता जल गया, बोल कुछ नहीं रहा। वो उसके पास गया, रहता हूँ राम राम, लभ राम राम, लेता हूँ बहुत अच्छे आदमी हो, कौन से काम के हो, यूं बोला क्यों गांव ने भी चला हुआ। ये धैर्य की बात है, ये दूर दर्द तक बात, ये बच्चे हैं सारे आके, हाँ धैर्यवान है और दूरदर्शी भी है। और मैं एक बात और बता कर, तुम्हारा हरियाणा में ताली बजा निकलते ताली पीटिया कर, तो एक बात जोरदार बड़ी बड़ी बातें हुई, प्यार की भी बातें हुई, यहां बहुत है प्यार से बहुत परेशान है लोग। दो चीजों से परेशान है, एक तो बुद्धि से बहुत परेशान, और बुद्धि मोबाइल फोन में दी है बस, जितनी ज्ञान उसमें आता है शायद गीता वीता सब कुछ मोबाइल फोन में ज्ञान की बदबू आने लगी। आदमी आदमी नहीं, वो कुछ है कबूतर उड़े जा रहे थे। एक कबूतर ने देखा क्या था, यार खेत है दाने हैं बाजरे के, चलो दाने खा लेते हैं। तो दूसरा बोला नहीं यार आदमी खड़ा है, तो पहले वाला बोला आदमी नहीं है पुतला है। लड्डू से कैसे पता, बोला इसका हाथ में मोबाइल नहीं है। जिसका हाथ में मोबाइल नहीं है वो खाली पुतला है यार, तो इसने बड़ा सत्यानाश किया कहीं कहीं। इतना प्रेशर, इतना डिप्रेशन हर आदमी के अंदर है। और प्रेशर डिप्रेशन है क्या, किस चीज का है कि खुश कैसे रहे, वह टिंडा समूह बना बैठे रहोगे। तो खुशी मिलेगी क्या, बस चेहरा तो कम से कम ठीक कर सकते हैं। ये नहीं तो जब हो रहा है खुद हंसा भी नहीं जाता, बोला कभी बुला के लाओ वो हंसाएंगे। हंसने की ताकत खत्म हो गई, तो बिना मतलब की टेंशन लेते रहे नहीं। मैं ये कहता नहीं, हमारा हरियाणा का आदमी खुश रहता है। एक तो आपने देखा होगा हरियाणा का आदमी कभी भी कड़वा नहीं बोलता, क्योंकि वो कड़वा खाता ही नहीं, मिठाई खाओगा हरियाणा का आदमी। वो चला गया तो पेशेंट बीमार मार हो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर जब दवाई लिखने लगा तो हरियाणा का आदमी बोला डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत लिखना। अब डॉक्टर भी हरियाणा का,
नुबला घेवर लिख दू मीठा खाते और स्पष्ट रहते हैं। एक और आ गया मेहमान, वो घर वाला लड़के ने पूछ लिया, बोला ताऊ हलवा खाओगा कि खीर? अब दोनों मीठी चीज है। बोला ताऊ हलवा खाओगा खीर? नहीं, बोले क्यों? तेरे घर में एक कटोरी में। हम बताओ कटोरी तो बहुत है, फिर बोला साढ़े दोनों लेके आए, ये मस्ती है। हमने टेंशन को दूर कर रखी बिल्कुल, और हम बिल्कुल वो हैं। बच्चे तक हमारा बड़ा चाहना है, टेंशन मिले तब ऐसा जवाब देगा अच्छी तरह से हर चीज का। वो एक है, दादी का बर्थडे था, ये बच्ची दादी बता रहा हूँ ना, ऐसा मत करना जैसे उसके साथ होता, बच्चे ने बताओ कैसे किया। अब दादी का बर्थडे, उसके बाप ने पूछ लिया, लड़के के बाप ने, बेटा बोला कल दादी का बर्थडे है, गिफ्ट में क्या देगा? ये बोला जी फुटबॉल दूंगा। अब बाप ने कहा बेटा दादी की फुटबॉल खेलने की उम्र है? ये बोला क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मेरे को गीता भेंट की। निकाल लेते हैं कम बुद्धि का प्रयोग करके। ज्यादातर असाब बैठे हैं उसमें, ज्यादा हरियाणा के, वो हरियाणा का पुलिस में था, वो छुट्टी मांग ली थी सर ऐसे तो साहब के पास, तो ऐसे तो साहब ने मजाक सा कर लिया उसके साथ, क्योंकि वो हरियाणा का तो मजाक करता रहता था। नुमला भाई छुट्टी तब मिलेगी जब एक सवाल का जवाब दे दे। बोले सर पूछो सवाल क्या है? तो एक इंटरनेशनल सवाल आया था, एक आज भी चलता है, सारी दुनिया फैला था कि कटप्पा ना भाव ऐसे तो सामने ये सवाल पूछ लिया हमारा हरियाणा का। लक्ष्मी तब मिलेगी जब इसका जवाब देगा कि कटप्पा ना बाहुबली को क्यों मारा? बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी नहीं दी। बोला तेरे को कितनी चाहिए? अब दो डिग्री जरूर थी, नहीं बोला जी दो हफ्ते। तो ये सारे काम थे ना जी, बहुत आराम मस्ती से करते हैं, कोई झूठ नहीं जाता। कम से कम बुद्धि का प्रयोग करो अगर आपने जीवन में सुखी रहना है। जहां आपने बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि बुद्धि से दुश्मन बनते हैं और दिल से दोस्त बनते हैं। ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से, क्योंकि मैंने बताया पहले जिंदगी के अंदर, पहले जब हम थे छोटे, जिंदगी के अंदर टेंशन बहुत कम थी था। आज सारी टेंशन के अंदर जिंदगी बहुत कम है ही नहीं, इतना ज्ञानी हो गया। हम नहीं करते थे कोई भी प्रकार की चीज, कम से कम ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं बुद्धि का। वो हरियाणा के दो आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया, उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछा। अब उनको हरियाणा की अंग्रेजी आती नहीं बेचारे को, चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्हें फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाना। फिर उन्हें रशियन में पूछा, फिर उन्हें जर्मन में पूछा, चार भाषाओं में रास्ता पूछा। अब उनको एक भी नहीं आती थी, वो चुपचाप अंग्रेज चले गए। तो एक हरियाणी दूसरे से बोला, बोले भाई एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई ना कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला, उस साले ने चार सीख रखी थी। तो
भाई बिना कोई सिक्का हम चले ये ज्यादा ज्ञान के ठकरने से कोई सुख नहीं मिलता थी। कम से भी काम चल सकता है और मैं बताऊंगा हम हरियाणा का आदमी चला लेते कम से कम। वो आगे निकला अंग्रेज। अब आगे एक हरियाणा का आदमी ने सिर्फ दो शब्दों में दो जाने का अगला उसको रास्ता बता दिया। जब ने रास्ता पूछा तो दो शब्द देखना अगर लगे के रास्ता सही पा गया तो आप ताली बजा के बता रहा हूँ आदमी न्यू बोला। जब सवाल पूछा तुमने न्यू बोला गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। तो कम से कम क्लोज कर वो बिल गेट्स को एक आदमी की जरूरत थी। 1000 आदमी इंटरव्यू देने चले गए। अब क्या करेंगे? उसने जनरल साहब इस बात कर दिया कि जो इंग्लिश फ्रेंच जर्मन रशियन चार भाषाएं जानता है वो खड़ा रहे बाकी चले गए। सारे चले गए 50 रहे। अब 50 में से भी एक लेना फिर एक शर्त और जोड़ दी कि इन चार भाषाओं के साथ जो जैपनीज जानता है वो खड़ा रहे बाकी चले। सारे चले गए थे दो रह गए। एक ने दूसरे से पूछा तू कहाँ का है? बोला हरियाणा का। फिर पूछा तेरे को जैपनीज आती है? बोला मन्ने तो वो चार भी नहीं आती जो साढ़े दिन पहले पूछी थी। फिर बोले तू खड़ा क्यों है? बोला तेरे यार का कॉन्फिडेंस देख। कॉन्फिडेंस से जियो जी बुद्धि से नहीं। बुद्धि परेशान करेगी आनंद मौज मस्ती से जीना क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में। कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने से। बिना मतलब टेंशन ले लेकिन ये बिना मतलब टेंशन ले नहीं। अब एक दो जाता हूँ अपना मंदिर में जाते हो जूते बाहर निकालने पड़े। अंदर जाके आत्मा ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूते के दर्शन भी। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितना जूते जरूरी होते क्योंकि जूते उठा लिए तो नहीं लेने पड़ेंगे भगवान को। बैठा बेचारा कदम जरूरी दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ। यह हरियाणवी ज्ञान है कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ उस बेचारे को ठेके पर पहुंचाओ। जब ये बात मैंने कही थी तो दीपक गुप्ता जी बोले ले यूसुफ जी दारू पीने से कोई समस्या का हल होता है मगर दूध पीने से कौन सी समस्या का। मानो तो मौज है और न समस्या तो रोज है। मानो तो मौज है और न समस्या तो रोज है हर घड़ी है आपके चरण तक खड़ी। हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त यह है कि समस्या दूसरे की होनी चाहिए। अपनी समस्या का कोई हल तुम यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो और सारा जहां उसी का तो मुस्कुराना है। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है और खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है और खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं सब लोग पर ईश्वर है उसी का जो सर झुकाना जानता है जो हंसना जानता है। इसी तरह से यूं ही रिश्ते बनते रहे रहते रहते रहे।
आपका बहुत बहुत है।